हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला अस्पताल में अब अपना ऑक्सीजन प्लांट, जल्द होगा विधिवत शुभारंभ। प्रतिदिन 90 ऑक्सीजन सिलेंडर उत्पादन की क्षमता। जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को समाप्त करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जल्द ही अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट में उत्पादन शुरू होगा, जहां से प्रतिदिन 90 सिलेंडर भरे जा सकेंगे। वहीं अस्पताल में अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। बीते दिनों अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की शुरुआत हुई थी, अब ये प्लांट पूरी तरह बनकर तैयार है। ये प्लांट कुछ ही दिनों में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। प्लांट से प्रतिदिन 90 सिलेंडर भरे जा सकेंगे, ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि वैसे ऑक्सीजन की कमी अभी ऐसी नहीं है कि मरीज परेशान हो। शहर के पास में ही सप्लाई स्टेशन है, फिर भी प्लांट बनने से ऑक्सीजन की आपूर्ति और बेहतर हो जाएगी। इससे मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। वहीं जल्द ही अस्पताल में कई तरह की जांचें शुरू की जाएगी, जो पहले बड़े अस्पताल में होती थी। इसके लिए उपकरण मंगवाए गए हैं, जो जल्दी अस्पताल को मिल जाएंगे। मेडिकल कॉलेज परिसर में RT-PCR लैब स्थापित होने के बाद 1 लाख से अधिक नमूनों की जांच अब तक हो चुकी है। वहीं अब लैब को लगातार 24 घंटे चलाने की योजना शुरू है। इससे नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार खत्म हो गया है। राजकीय अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL मंसूरिया ने बताया कि अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट से योजना के अनुरूप कार्य शुरू होगा, जिसमें अस्पताल के सभी बेड पर ऑक्सीजन पाइप लाइन से मिल सकेगी। वर्तमान में ICU व CCU सहित कुछ वार्ड में पाइप लाइन से ऑक्सीजन मिल रही है। बाड़मेर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में करीब 1000 किलो की मशीन लगाई गई है, जिसमें 90 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन उपलब्ध हो सकेंगे। अब तक ये प्रक्रिया शुरू होने में 1 से 1.5 सप्ताह तक का ही समय लगेगा। हालांकि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू होने के बाद प्रत्येक बेड पर एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की जाएगी। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।